अम्बरीश, ई माटी कुरुक्षेत्र के रणभूमि जैसन बा। खून के प्यास से तड़प रहल बिया। शैतान के नाश खातिर उ तलवार अपने आप निकल के ई धरती पर गिरल बा। यही से ई धरती अब उ दुश्मनन के खून पी के रही। तब्बे एकर प्यास बुझी। और ई कार करबा तू अम्बरीश, इनके तनी गौर से देखा और अपने दिल से पूछा, ओकरे बाद कोनो फैसला लिया। आज से करीब 500 साल पहले बाप रे बाप, उनकर इतना बड़ा इतिहास बा, ई हमके पता ना रहे सर। कैंपेगौड़ा जी के बनावल ई शहर माफिया के हाथ में ऐसे ही दे दियल का। उ दिन के घटना के बाद ई साबित हो गई बा कि माफिया और क्राइम के जड़ कहाँ तक पहुंच गई बा। हमार सस्पेंशन की वजह से ऑपरेशन कैंपेगौड़ा रुके के ना चाहिए। जब हमनी मिनिस्टर के बिल्डिंग के डिमोलिशन कहनी, तब ओकरा नीचे से इलाज मिलल। शांति, शांति, गांव में हम तोरा खाते ही आए थे, और तू ही हमको छोड़ के चल गई। काम उस शैतान के ही बात हो गई है कि मरले बाड़न सोगी मरले बाड़न। इस शैतान लोग मजदूर के बलि दे रहल बाड़े, इनके छोड़िया मत बेटा। अमरीश, हमनी के बनावल बिल्डिंग के एसआई सील कर देना। देख लेला ना, तू जोन मकसद से यहाँ आई बाड़ा, ओके रोके खातिर ई लोग ई खेल खेल रहल बाड़े। तो हार बनावल बिल्डिंग के उ माफिया तोहसे छीने की कोशिश कर रहल बाड़े। अगर ऐसे ही चलत रहल तो सोचा आगे का होगी। सुना बेटा, मरे वाला तोहसे अपन इंसाफ मांग रहल बाड़े, अब उठा ला तलवार। अमरीश, तू दोस्ती जितना अच्छा निभावे ले, उतने अच्छा दुश्मनी भी निभावे ले, ये दिखा दा उस शैतान के। जी के जमाना के काल भैरव के छाप वाला सिक्का बा। काल भैरव क्षेत्र रक्षक, मतलब ई क्षेत्र का रक्षा तुहार जिम्मेदारी बा। ए इलाका के मालिक, शैतान के धूल चटावे तोहरे रूप में लौट आई बाड़े। अरे इंस्पेक्टर साहब, रवा देख कर रहल बानी, हमके बचाई, मार दी हमके। अरे हमके बचाई, ओके शूट कर दी। ये का बड़बड़ा रहल बड़े। अरे शूट कर दी ओके। बाप रे, आ गई लुके पे गोड़ा। अरे बाप रे, देखी वो आ गई, देखी वो आ गई। अब हम ना बचब। अरे तुम लोग का देख रहल बड़ा, हमके बचावा। अरे अरे ना ना, हमके मत मारा। ना ना ना, हमके माफ कर दा। हेलो केबा, कैंपे गौड़ा, तू का सोच ले रहा कि जैसन तू चाहबा वैसन कई के
तालाब के ऊपर कब्जा करबा। अब तुहार जिंदगी भर के कमाई के हम हड़प कर जा। इस सब इतना आसान नहीं खे हमार बबुआ, हमार साम्राज्य बहुत बड़ बा। तोहार तलवार के धार से जे बलि चढ़ल बा वो हमार सेना के मामूली सिपाही रहे। सेनापति के हुआ और बा, चाहे वो जे के हु भी होखे, तोहार वजह से हमार जितना आदमी के जान गईल बा, होकर बदला हम तोहार खून से ले। Damn it, Dad, चाहे कुछ हो जाए ओकरा खत्म कईला के बाद ही हमनी अगला कदम उठाई। लाश मिलला के वजह से ही ई मैटर के मीडिया इतना उछाल देला। पुलिस स्टेशन में जो लाश गिरल बा वो हमनी के आदमी के बा, ई खबर ओकरो से बढ़ बा, ओकर कोनो फिकिर बा का? पुलिस वाला मरत आड़े तो मरे दी, वो हमनी से ज्यादा ताकतवर हो रहल बा। अब पुलिस डिपार्टमेंट हमनी की मदद नहीं करे वाला। अंततः ओकर शीश गिरे तक अपन अपन शीश संभाल ल तो वे उत्तम होगी। हम ओके ना छोड़ब, बेंगलोर के सब गुंडा के लीडर सबके इकट्ठा करके ओकरा ला नाकाबंदी करवा देब। कुछ दिन में तोके खबर मिल जाये कि वो दुनिया में ही ना रहा। ए रेड्डी, अगर हमनी वो कैंप पे घोड़ा के ऐसा ही छोड़ दे हब तो वो आके हमनी के कपार पे बैठ जाए। आवेदा ओके आवेदा, हमनी के सब तलवार के ओकर खून के मजा चखा के ओकर नाम के रक्त अभिषेक करवाई। ओ से पहले तो के तलवार हम दिखाई। हमनी के भागे वाला चूहा में से नहीं के। आज हमनी सब मिल के यहाँ खून के नदी बहा दे। हम खून के नदी में ही तैरल सिखले बानी और आज तोनी के वही नदी में डुबाई। यहाँ के राजा एक के बाड़न कैंप पे गौड़ा। हराम करे वाला सैकड़न गुंडा सब आज कैंप पे गोड़ा जी के तलवार के धार से आपन जान से हाथ धो बैठल बाड़े। हेलो आरडीएक्स, रेड्डी ना रहल। व्हाट?